जो ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारा पाकिस्तान देश है जो पड़ोसी का, इसकी हमेशा गलत हरकतें रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए ये हमारे खिलाफ रहा है। जब जब हमारे इलाके में तरक्की जम्मू कश्मीर में होती है और तब उसी टाइम ये काफ़ी अरसे के बाद ये इलेक्शन हो रहा है और उसको ये हजम नहीं हो रहा है और इसलिए वो हर जगह में इनकाउंटर करता है और लोगों को हरासा करता है और उसको उसकी जो चालें हैं ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो हमारी इंडियन आर्मी बहादुर आर्मी है ये कभी कामयाब नहीं होने देगी। और हमारा जो लोग हैं वो सारे जो सिविल लोग हैं हमारे वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान की कभी भी कोई गलत चाल चलने में कामयाबी नहीं करने देंगे हम। ये जो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, देखिए लोग बड़े मायूस थे, यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियां थी, यहाँ अफसरशाही थी, यहाँ पर कोई काम नहीं होता था। BDC DDC जो यहाँ हमारे माजी में रहे उन्होंने सिर्फ यहाँ पर लूट कसूट का मसला किया। 4-5 सालों में करोड़ों रुपए के पैसे उन्होंने खाए, करोड़ों रुपए उन्होंने लूटे और सिर्फ उनके अपने लोग थे, अपने GRs थे, अपने गुलाम सेवक थे, अपने जेई थे और वो खुद बिल पास करते थे और उन लोगों ने ग्राउंड के ऊपर 1 रुपया जने रुपए में से 10 पैसे लगाए और 90 पैसे उन्होंने 90 रुपए जो है उन्होंने 100 में से 90 रुपया खाया, उन्होंने 1 रुपया ग्राउंड पे लगाया है। ये गवर्नमेंट की नॉलेज में है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इनकी इंक्वायरी करेगी और ये जो जैसे ये जो लोग हैं जालिम लोग थे जिन्होंने लोगों का हक खाया है ये जेलों के सलाखों के पीछे होंगे। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रेंथन करने की लगातार कोशिश और काविशें कर रही है। आपने देखा कि किस प्रकार से 3-tier सिस्टम को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करके 30,000 से ज्यादा नौजवानों को मौका दिया गया कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन सके जम्मू कश्मीर के। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आज असेंबली के चुनाव हो रहे हैं और बहुत ही पीसफुली चुनाव हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव सरकार बनाने वाली है और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसको ये रास नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है जमहूरियत को मजबूती मिल रही है, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आ रही है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मौका मिल रहा है इलेक्शन प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेट करने का और कंट्रीब्यूट करने का और इलेक्ट होने का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से सक्षम है कि इन्होंने पहले भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले भी जो है टेररिज्म को और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है। और आप देखेंगे जिस प्रकार से आज हमारे एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है रियासी वहां के चसाना तहसील में आज एनकाउंटर चल रहा है और आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट भी फ्रूटफुल होगा। टेररिज्म को और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके पीस को मेंटेन किया जाएगा और किसी भी किस्म की कोई भी डिसरप्शन जो है इस इलेक्शन के प्रोसेस में वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर देखें हम तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता लगातार रैलीज कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में सरकार अगर बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। सर,